हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम आपको आज दिखाएंगे होलोग्राम डिस्प्ले के बारे में। आप चाहें तो इसे 4D डिस्प्ले भी कह सकते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होंगी जिसमें हमने एक प्रोजेक्टर के बारे में बताया था। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमें इसके लिए क्या क्या पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स है। उसके लिए हमें चाहिए, ये हमारे पास डिटेल्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। एक कटर जो कि आपका इस तरह का होना चाहिए। CD कवर हमको चाहिए जिससे कि हम उनके कटिंग कर सकेंगे। एक पेंसिल, एक फेवी गम जिसे हम चुपकाएंगे बाद में, जो भी हम कटिंग करेंगे, जो भी हमें पार्ट्स बनाने हैं उसको हमें बाद में जॉइंट करना होगा, तो उसके लिए हमें फेवी गम का रिक्वायरमेंट है। और हमें जरूरत पड़ेगी एक स्केल की और पेंसिल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमें किस तरह से अपनी वीडियो जो बनाना है उसे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें उसके लिए एक पेपर पे डिज़ाइन करना होगा। मैं आपको डायमेंशन बताऊंगा, उसी डायमेंशन में आपको ड्रॉ करना है, देन पेज को कट करना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले सेंटर लाइन बना लीजिए। सेंटर लाइन बनाने के बाद आपको इस लाइन पे 300 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसके लिए आपको सेंटर लाइन से बनाना होगा। ये हमने 300 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली, 30 mm की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी 100 mm की होगी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें उनके कॉर्नर्स को मैच करना है। देन ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें अपने कटर की हेल्प से इस ड्राइंग को कट कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हमें इसी की हेल्प से अपने CD कवर पर मार्किंग करके हमें CD कवर को कट करना है। हम इसे पिक्चर भी बोल सकते हैं। हमारा बॉटम जो साइज है वो 30 mm का है और जो अपर साइज है वो हमारा 100 mm का है। ठीक है, आपके लिए मैंने देखिए पहले से ही कवर को कट कर रखा है, CD के कवर्स को। ठीक है, तो आप भी इसी तरह कट कर लीजिए। देन अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमने इसके बेस में रेक्टेंगल 30 mm का साइज और कट किया हुआ है जिससे कि हमारे साइज को जब हम गम से जॉइंट करेंगे तो वो प्रॉपर बने। ठीक है, अब मैं आपको एक पीस के जॉइंट करके दिखाता हूँ गम की हेल्प से, किस तरह से हमें गम की हेल्प से ये जॉइंट करना है। आपको दोनों ही पार्ट को पहले इस तरह से रखना है और इसकी हेल्प से हमारा अपना रेक्टेंगल का जो शेप है वो प्रॉपर रहेगा। और उसके बाद हमें अपने इस पर थोड़ा सा हल्का सा गम डाल देंगे जिससे कि पोजीशन पकड़ लें और हमसे सुखा देंगे जिससे कि पोजीशन पकड़ लें। ठीक है, हमारे ये दो पीस जुड़ गए। इसी तरह से हमें अपने चारों ही पीस को ज्वाइंट करना है। इस तरह से इसमें एक लगाएंगे गम के हेल्प से और उसके बाद हम इसको इसकी तरह गम के हेल्प से लगा। मैंने अब अपने सारे ही पीस को ज्वाइंट कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जितने भी पीसेस हैं उनको ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक होलोग्राम वीडियो के नाम से आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उन्हें डाउनलोड कर लेंगे। देन डाउनलोड करने के बाद जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हम अपने पीस को उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। आगे का मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है हमारी जो प्रॉपर जो उस पर डिस्प्ले आएगी वो एक डार्क रूम में आएगी, मतलब अंधेरे में आएगी, तो उसके लिए हमें एक बिल्कुल डार्क रूम चाहिए। ठीक है, और मैं आपको डार्क रूम में लेके चलता हूँ।
लिख रहा है। देखा कि हमने जो आज वीडियो में बनाया वो कितना दिलचस्प था और कितना एक्साइटिंग था, ठीक है। तो हमारी और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो को बना के दिखा सकूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने सोचा कि हमारे इसके लिए कवर के जो हैं जो ब्लैक कलर हमारे बच्चे ये वेस्टेज हो गए, लेकिन इन वेस्टेज को हम यूज़ कर सकते हैं। इनके हेल्प से हम एक फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। फोटो फ्रेम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इन सभी कवर्स को आपको इस तरह से रखना है, ठीक है, और अपनी फाइव गन की हेल्प से उन्हें ज्वाइंट कर देते हैं। आप लोग इस तरह से हमारे ये कवर को ज्वाइंट कर लेंगे आप। देन उसके बाद सीडी कवर में से ये लॉक्स होते हैं, आप उनको कट कर लीजिए और उन लॉक्स को कट करके आप कवर में इस तरह से पेस्ट कर दीजिए फाइव गन के थ्रू। देन आपको बस सिंपली इस तरह से अपना फोटो को लेना है और आपका उनको लगाने के बाद और आपको इस तरह से अपना फोटो लगा देना है, ठीक है। आपको अगर हैंगिंग रोटेटेबल बनाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इनके जो होल्स हैं इनमें आप अपने धागे को लें और उसको इसमें बांध करके उसको आप इस तरह निकाल के आप उसे रोटेबल, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो रोटेट करेगा और आपको बताऊंगा किस तरह से धागे को बांध के दिखाना। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो को बना के दिखा सकूँ।